रूल नंबर 30 क्या कहता है? रूल नंबर 30 कहता है, सबसे पहले तो रूल नंबर 30 को समझने के लिए ये समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन होता है जब हम किसी ग्रुप को एक नाम से दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उस पूरे के पूरे ग्रुप को मैंने एक नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैंने उनके ग्रुप को क्या नाम दे दिया? टीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके ग्रुप को क्या नाम दे दिया? क्लास। बहुत सारी फिश हैं, मछली हैं, मैंने उनके ग्रुप को क्या नाम दे दिया? शोल, या फिर स्कूल भी बोलते हैं। तो जब भी हम बहुत सारे ग्रुप को, बहुत सारी भीड़ है, लोग हैं, मैंने उनके ग्रुप को क्या नाम दे दिया? क्राउड। बहुत सारे लोग हैं, गुस्से में, एंग्री पीपल हैं, गुस्से में भड़के हुए लोग हैं, मैंने उनके ग्रुप को क्या नाम दे दिया? मॉब। तो जब भी हम किसी ग्रुप को कोई एक नाम दे देते हैं, वेन एवर वी गिव अ नेम टू अ ग्रुप, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। वी नो देम बाय द नेम कलेक्टिव नाउन। सभी को समझ में आया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर के जो लोग हैं, अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट्स हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर के जो लोग हैं, वो एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो इस कलेक्टिव नाउन के आगे जो आप वर्ब लगाओगे वो कैसी होगी? इस कलेक्टिव नाउन के आगे जो आप वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर होगी। अगर कलेक्टिव नाउन की जितनी भी यूनिट्स हैं वो एक ही चीज़ पर काम कर रही हैं, तो जो वर्ब हमारी लगेगी वो कैसी लगेगी? वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा द आर्मी डैश मार्चिंग टूवर्ड्स द हिमालयस। बताओ इज लगाऊं या आर लगाऊं? द आर्मी डैश मार्चिंग टूवर्ड्स द हिमालयस। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, सब लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? इज लगाया। द आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स द हिमालयस। मैंने एक और सेंटेंस लिखा जूरी। जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। द जूरी डैश टेकन द डिसीजन। जूरी ने एक डिसीजन लिया है, एक ही डिसीजन सबने मिलकर लिया है, तो वर्ब कैसी लगेगी? वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। मैंने क्या लिखा? द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन। ज्यूरी ने एक डिसीजन ले लिया है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स एक ही चीज़ पे काम करती है, दे वर्क ऑन वन थिंग, तो जो वर्ब लगती है हमारी वो हमारी सिंगुलर लगती है। अगली बात, कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स अगर अलग अलग चीज़ों पे काम करती हैं, तो अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स दे वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स, अगर वो अलग अलग चीज़ों पे काम करती हैं, तो जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? तो जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, वर्ब सिंगुलर नहीं लगेगी। मैंने लिखा द आर्मी डैश शाउटिंग डिफरेंट स्लोगन्स। आर्मी जो है वो अलग अलग स्लोगन्स चिल्ला रही है। क्या लगाया मैंने? अगर मैं बोलूँ अलग अलग लगा चला रही है, तो क्या आएगा? आर। मैंने बोला द जूरी, जूरी के लोग बटे हुए हैं, मतलब सबका डिसीजन अलग अलग है। जूरी के लोग बटे हुए हैं, सबका डिसीजन अलग अलग है, क्या लगा? आर। मैंने लिखा द जूरी, सबका डिसीजन एक ही है। यूनानिमस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबका डिसीजन एक ही होना। जूरी में सबका डिसीजन एक ही है, तो क्या लगा? Yes. तो अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स का चीज़ें अलग अलग पे काम हो रहा होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो हम आर लगाएंगे। अगर एक ही चीज़ होगी तो इज लगाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरी वन? यस। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। सभी ऑडियंस एक ही मूवी को देख रही है,
ऑडियंस जो है एक ही मूवी को देख रही है, क्या लगाया? इस आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स द हिमालयास, पूरी की पूरी आर्मी हिमालयास की तरफ मूव कर रही है, क्या लगाया? इस जूरी ने एक डिसीजन लिया, सब ने एक ही डिसीजन लिया, क्या लगाया? इस ऑडियंस सीट्स पे बैठी, ऑडियंस इज टेकिंग द सीट्स, आर्मी इज चेंजिंग देयर ड्रेसेस, द जूरी इज डिवाइडेड इन द ओपिनियंस। बताओ ये तीनों एग्जाम्पल सही है या गलत है? आर दीज एग्जाम्पल्स राइट और रॉन्ग? कैन आई से ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग? सारे के सारे गलत हैं। क्यों? सीट्स पे अगर बैठेंगे तो हर इंसान अलग अलग सीट पे बैठेगा, एक सीट पे तो सब बैठेंगे नहीं, अलग अलग सीट पे बैठेंगे, क्या आएगा? आर। आर्मी अगर ड्रेसेस चेंज करोगे सबके कपड़े अलग अलग होंगे, एक ही कपड़े तो सबके होंगे नहीं, क्या आएगा? आर। जूरी डिवाइडेड है, जूरी अपने ओपिनियन में बटी हुई है, अगर बटी हुई है तो क्या आएगा? आर। क्या समझ में आया कहाँ इज आएगा कहाँ आर आएगा? एवरीवन, तो इन तीनों जगह क्या आएगा? इन तीनों जगह हमारा आर आएगा, इन तीनों जगह हमारा इज नहीं आएगा। क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इनको बहुत अच्छे से लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्टेन एक्सेप्शंस। हमें क्या लगता है इन वर्ड्स को देखने के बाद कि ये कलेक्टिव नाउन है, और हम इनमें क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स नहीं होते हैं। हमेशा याद रखना, पुलिस के आगे हमेशा आर आता है या हैव आता है। पुलिस वर्ड जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। वर्मिन का मतलब होता है वो सारे के सारे इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये प्लूरल होता है। कैटल वर्ड का मीनिंग होता है सारे के सारे एनिमल्स, मिल्क गिविंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मिल्क गिविंग एनिमल्स को हम कैटल बोलते हैं। तो ये जो कैटल वर्ड होता है ये प्लूरल होता है। इनके ऊपर कभी भी कलेक्टिव नाउन वाला रूल मत लगा देना, इनके साथ कभी भी जिंदगी में सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, इनके साथ हमेशा और हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। क्लर्जी, क्लर्जी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों को क्लर्जी बोलते हैं जो कुछ रिलीजियस ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं, कुछ पूजा वगैरह करते हैं। जेंट्री, वहाँ का फोक कैसा है? क्राउड, जेंट्री प्लूरल वर्ड आती है। पोल्ट्री, चिकन, फोक वहाँ के लोग। पीजेंट्री हमारे फार्मर्स लोग। इन्फेंट्री और कैवलरी, इन्फेंट्री लोग कौन होते हैं? इन्फेंट्री बोलते हैं जब सोल्जर्स जो होते हैं ना हमारे, वो अगर पैदल चल रहे होते हैं, हमारी जो सेना होती है अगर वो पैदल चल रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्फेंट्री, और अगर वो घोड़े पे चल रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कैवलरी। ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इन्फेंट्री और कैवलरी। तो अगर हमारे सोल्जर्स वॉक कर रहे हैं तो वो इन्फेंट्री हैं, अगर वो घोड़े पर हैं तो वो कैवलरी हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल होते हैं, और इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो क्या आती है? प्लूरल आती है। वी ऑलवेज यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद देम। समझ में आया सभी को? क्रिस्टल क्लियर सभी को तीनों रूल्स आज के? चलिए आगे के रूल्स हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। एक कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। पुलिस के आगे आर, कैटल के आगे आर, पीपल के आगे प्लूरल वर्ड। तो इन वर्ड्स के आगे हम हमेशा प्लूरल वर्ड लगाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझ लो, पीपल जो होता है ना इसके दो मीनिंग्स होते हैं। अगर पीपल का मतलब लोग है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, सभी को पता है। अगर पीपल का मतलब लोग है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन पीपल का मतलब ना कंट्री भी होता है, तो अगर पीपल का मतलब कंट्री है तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है। ऐसे में पीपल्स का मतलब क्या हो जाएगा? पीपल्स का मतलब हो जाएगा कंट्रीज। What will be the meaning of the word peoples then? Countries. People एक country को भी show करता है, peoples का मतलब क्या होता है? वो लोग जो अलग अलग countries के रहते हैं। तो people को अगर हम singular sense में use करते हैं इसका मतलब क्या होता है? A country, एक country। और peoples word का meaning क्या होता है? अलग अलग countries, या वो लोग जो अलग अलग countries को belong करते हैं। Very important concept, समझ में आया सभी को? Rule number 30 crystal clear। तो अब हमने 30 रूल्स कवर कर लिए।